देशभर में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता जा रहा है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों से आने वाले कोरोना संक्रमितों को देखते हुए एक तुलनात्मक डेटा जारी किया, जिसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मंगलवार को भी 171 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आए हैं। इसी के चलते प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो कुल बढ़कर 9271 हो गई है। साथ ही में 201 लोगों की जान भी अभी तक इस वायरस के चलते जा चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 10 राज्यों की लिस्ट में राजस्थान कोरोना से ठीक होने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है, तो वहीं मृत्यु दर में राजस्थान चौथे स्थान पर फिलहाल है। रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। प्रदेश में 2.7% मरीज जो है वो पॉजिटिव मिले और मृत्यु दर 2.60% है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी भी 67.59% हो गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 4,00,000 से अधिक कोरोना जांचें की जा चुकी है। प्रदेश में मौजूदा समय में 18,200 जांच प्रतिदिन क्षमता है। दस राज्यों के एक्टिव केस हों, चाहे जो क्योर्ड केस हों जो ठीक हो चुके हैं, या मृत्यु दर है प्रतिशत, इन तीनों का तुलनात्मक जो डाटा दिया है उसमें राजस्थान चाहे एक्टिव केसेस की बात हो और चाहे ठीक हो गए केसेस की बात हो, राजस्थान नंबर वन है और मृत्यु दर में भी राजस्थान चौथे स्थान पर है, जो सब 10 बड़े राज्य हैं उनके तुलनात्मक स्टडी में। और हमारा जो पॉजिटिव केसेस का ग्राफ था वो जो बढ़ा हुआ था वो ग्रोथ रेट अब नीचे आ गई, बल्कि फ्लैट से भी नीचे डाउन जा रही है। कुल मिला के राजस्थान में कोविड के, चाहे आप पॉजिटिव परसेंटेज की बात कर लो, तो 2.17 है। हमारी मोर्टिलिटी की जो रेट है वो भी बहुत कम है, 2.16% है सिर्फ, और जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 67.59% है। जांच की क्षमता हमारी 18,250 पर डे टेस्ट है। हमने कहा 25,000 करेंगे, वो आने वाले 5-7 दिन में 25,000 टेस्ट पर डे हो जाएंगे। उसके अलावा 4,00,000 से ज्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं स्टेट में, कंट्री में टोटल 35,00,000 टेस्ट हुए हैं। अकेले SMS अस्पताल ने 1,10,000 टेस्ट